साल की नई शुरुआत से पहले महीने में पठान की मूवी लग गई, यानी शाहरुख खान। आपका क्या कहना? किंग इज बैक, फाइनली किंग इज बैक। 4 साल का जो वेट था वो वेट सफल। फिल्म के स्टोरी लाइन की बात करें तो क्या अच्छा लगा? मुझे स्टोरी से एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, मुझे लगा था कि ये मूवी भरपूर एक्शन से रहेगी तो विजुअल ट्रीट तो रहेगी, लेकिन स्टोरी भी बढ़िया है और स्क्रीन प्ले एकदम टाइट है। तो मतलब लोग जो खास स्टोरी ढूंढते मूवी में उसको भी मज़ा आएगी, और शाहरुख खान के फैंस तो भर भर के आ ही रहे। फिल्म में शाहरुख जॉन और दीपिका की केमिस्ट्री कैसी है? और शाहरुख और जॉन का जो फेस ऑफ था ना वो बहुत देखने में बहुत मज़ेदार था, और एज अ विलन एकदम खूंखार लग रहा था। मतलब जॉन तो वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, जो विलन और हीरो का जो फेस ऑफ होता है ना वो देखने में मज़ा आ रहा था। और केमिस्ट्री बोले जाएगी तो जॉन और दीपिका की केमिस्ट्री भी अच्छी थी, और शाहरुख और दीपिका की जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत मज़ेदार। इनके गाने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको फेवरेट गाने? मेरा जो फेवरेट गाना था वो बेशरम रंग था, और विशाल शेखर का म्यूजिक अच्छा था, और लास्ट में जो जुमे जो पठान आया लास्ट में सॉन्ग वो आइसिंग ऑन द केक। और फिल्म को बाइकआउट किया जा रहा था कि फिल्म को बाइकआउट करना चाहिए, अब तो क्या लगता है कि ये सच था सही है गलत था कि फिल्म को बाइकआउट? ये बॉयकॉट वॉयकॉट से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये बॉयकॉट है ना, ये बॉयकॉट से उल्टा मूवी का एक्स्ट्रा प्रमोशन होता है। ये बॉयकॉट गैंग वाले खाली ज़बरदस्ती का खाली सोशल मीडिया पे बॉयकॉट बॉयकॉट करते हैं और थोड़े बहुत गिन चुन के यहाँ घूमते हैं। बाकी ये बॉयकॉट गैंग जो है ना ये खुद मूवी देखने आने वाली है, तो ये खाली बॉयकॉट गैंग कुछ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मूवी अच्छी है तो मूवी चलेगी, मूवी नहीं अच्छी है तो मूवी नहीं चलेगी। फिल्म में सलमान खान भी एक एंट्री है, बहुत अच्छा उनका किरदार भी है, 10 से 15 मिनट का उनका भी एक्शन सीन, तो आपको क्या लगता है करण अर्जुन वापस आ गए? हाँ, करण अर्जुन वापस आ गए, और मैं एज अ सलमान फैन मतलब मैं सोचा था मतलब छोटा कैमियो होगा लेकिन उससे कहीं ज़्यादा था रोल, तो मतलब मेरे अंदर टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी सलमान खान का जितना स्क्रीन प्रेजेंस था, और दोनों साथ में आए वो तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 out of 5। अमेजिंग अमेजिंग सुपर हिट एंटरटेनमेंट। फिल्म में करण अर्जुन और एक बार दिखाई दी, आपको कैसा लगा? दैट वो सबके लिए इतना बड़ा सरप्राइज था, और उन लोग की केमिस्ट्री जो है ना ऑन स्क्रीन नेक्स्ट लेवल। इवन आई वुड से सबको एंड क्रेडिट तक भी वेट करना चाहिए, क्योंकि एंड में एक और स्पेशल ये है भाई और शाहरुख भाई और सलमान भाई का, तो बहुत ही मज़ा आ गया। फिल्म में जो स्टोरी लाइन है तो बहुत ज़्यादा हटके बनाई है, और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त हॉलीवुड टाइप की दिखाई, आपको क्या लगा? आई अग्री विथ यू कम्प्लीटली, पूरा हॉलीवुड स्टाइल एक्शन लाके। इनफैक्ट अभी उन्होंने बताया कि टॉम क्रूज का जो एक्शन डायरेक्टर उसने आके एक्शन डायरेक्ट किया है, और ऐसा कभी लगा नहीं कि कभी एवरेज जॉब हो रहा है, एकदम टॉप नॉच एक्शन हो रहा है, VFX भी बहुत अच्छा, सब अमेजिंग क्वालिटी प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट। इनकी गाने की बात करें तो दो या तीन गाने तो आपको सबसे अच्छा? सी उन जितना एक्शन जॉनरा में जितना हो सकता है कहानी में जितने ट्विस्ट ला सकते हैं उन्होंने लाया है, पर कहानी से ज़्यादा जो स्टाइल लाया है ना, कि जो डायलॉग बाजी, जो पुराना डायलॉग बाजी मिस हो रही थी, जो लोग बोल रहे थे कि साउथ में दिख रहा है, अब वापस यहाँ आ गई है फाइनली, कि हमको जो चाहिए था कि हमारा हीरो आए एक डायलॉग सुनाए और सब थाली मारे, तो वो आ गया है, वो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट। जॉन दीपिका और शाहरुख केमिस्ट्री कैसी? यस, जॉन दीपिका शाहरुख एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सलमान, यू कांट आस्क मोर बिकॉज ऑल अमेजिंग परफॉर्मर्स, सबने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अमेजिंग फिल्म। आउट ऑफ 5 की बेस्ट फॉर प्योरली एंटरटेनमेंट वैल्यू की फैमिली के साथ या दोस्त के साथ जाके सबके साथ जाके एक फिल्म देख सकते हैं, उसके लिए 5 on 5। लास्ट वन मोर क्वेश्चन, फिल्म को बाइकआउट किया जा रहा था कि नहीं देखना है, तो इसके बारे में वो सब वही वो सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि जब आप इस सारे साथ सुबह के 7 बजे का शो है, हाउसफुल है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन के लोग आए, हर रिलीजन से हर कास्ट से सब लोग आए हैं और सब मिलके प्यार बता रहे हैं, सब लोग ताली मार रहे हैं, सब लोग चीख रहे हैं, तो वो पूरा उनका बॉयकॉट तो फेल ही हो गया, क्योंकि लाइक जो प्रोपेगेंडा डजंट वर्क फॉर पब्लिक, पब्लिक जस्ट वांट्स एंटरटेनमेंट, उनके लिए पॉलिटिक्स मैटर नहीं करता। बहुत ज़्यादा थ्रिलर है, काफ़ी एक्शन ड्रामा ह्यूमर सब कुछ है इस मूवी के अंदर। उनका नया अवतार बहुत अच्छा था, जो उनका नया लुक था, आई थिंक डॉन में उनमें ऐसा आया था, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट था, उन्होंने काफ़ी मैस्कुलिन पर्सनालिटी के साथ इस बार एंट्री की है, इतने सालों से वेट कर रहे थे शाहरुख खान का, फाइनली उन्हें देखने का मौका मिला है, तो वी ऑल वर वेरी अमेज्ड। ओह दैट डुओ वाज बैंग ऑन, लाइक
शाहरुख खान को और सलमान खान को देखने का किसका मन नहीं करता है यार। मतलब शाहरुख सलमान के जो 5 मिनट के जो सीन थे ना, वो उसके लिए मैं अकेले टिकट देख के लेके आ सकता हूँ यहाँ पे मूवी देखने के लिए। दैट वाज सुपर 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 केमिस्ट्री और उनके एक्शन सीन्स तो बाप रे माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आई थिंक सबको अपने परिवार वालों के साथ जाना चाहिए मूवी देखने के लिए। कितने सालों से वेट कर रहे थे हम शाहरुख खान का, शाहरुख खान इज बैक गाइस। सारे गाने अच्छे थे, आई डोंट थिंक ऐसा कोई गाना है जो किसी को मिस करना चाहिए। और यूजुअली हॉलीवुड मूवीज में इतने सारे गाने होते नहीं है, बॉलीवुड भी शायद उस चीज़ पे फोकस कर रहा है अभी, बट इट वॉज गुड। आउट ऑफ 5 मैं 5 ही देना चाहूँगा इसको, कहीं भी कोई गलती नहीं थी इस मूवी में। याद आएगी, सही है, बहुत सही है, बहुत सुपर है। एक्टिंग बेस्ट है, अगर देखना है शाहरुख की एक्टिंग देखो, बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ और देखने लायक है उसमें। शाहरुख की एक्टिंग ही खतरनाक है, क्योंकि बहुत डिफरेंट वे में आया वो और बहुत ही अलग ही, मतलब उन्होंने जो किरदार निभाया, जो उनका मतलब स्टाइल था, जो लुक था, बहुत ही डिफरेंट था। बहुत मेरे को तो शाहरुख खान का बहुत सही लगा मेरे को, मतलब जॉन इब्राहिम भी सही था लेकिन शाहरुख खान जो लुक में आया ना, तो पूरा मूवी का उन्होंने एक्चुअली वो सब कुछ चेंज कर दिया, पूरा लुक ही चेंज कर दिया। शाहरुख और दीपिका सही है, बहुत सही है, मतलब ठीक है, मतलब हम लोग का उधर ध्यान गया नहीं, मतलब मूवी इतना अच्छा था इसका, मतलब लोग इसमें एक्चुअली सोल्जर रिलेटेड मूवी था, तो हम लोग का ज़्यादा ध्यान शाहरुख के ऊपर गया, उसका लुक, उसका एक्टिंग बहुत सुपर ब्रो, मतलब कुछ नहीं कह सकता मैं, एक ही लाइन है सुपर, देखना ही चाहिए आप लोग का मूवी। जॉन इब्राहिम फर्स्ट विलन थे, एकदम बहुत सेकंड टाइम विलन में बहुत सही था, नहीं अब मतलब उनका ऑफ कोर्स विलन थे लेकिन ज़्यादा शॉट्स नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लेकिन जितने भी शॉट्स है ना वो भी सुपर काम किए, बहुत सही काम किया उन्होंने। 4.5 कैसी लगी पठान आपको शुरुआत में आई है, और जी मज़ा आया, एंजॉय करने आए थे, बॉलीवुड एक्सपीरियंस लेने आए थे, मसाला शाहरुख खान एक्सपीरियंस, बायरफ के बगल में ही है हम लोग, तो वो आया 100%। फिल्म की बात करें, शाहरुख खान 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं नए लुक में, नए अवतार में, तीन डिफरेंट शेड में, तो आपको क्या पसंद है? आई थिंक उनको हमने थोड़ा एक्शन करते डॉन में देखा था, बट दिस इज़ आउट एंड आउट एक एक्शन फिल्म, यू नो इसमें फुल ही इज़ अ स्पाई, स्पाई यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, एंड द मोमेंट ही कम्स ऑन स्क्रीन यू नो यू सी द शाहरुख कैरिश्मा, यू सी द शाहरुख प्रेजेंस, और वो अलग ही है, वो जैसे ही आप देखते हो यू लाइक शाहरुख। उनके एक्शन की बात करें, जो तो हॉलीवुड के जो कॉम थे उनके एक्शन डायरेक्टर ने पूरी सीन डाल, तो आपको जल्दी दुखी हॉलीवुड इस एक्शन में? जी जी जी, जैसे मैं बता रहा था, बात कर रहे थे कुछ लोगों के साथ कि एक्शन सीक्वेंस में आप देखेंगे इट इज़ अ डिफरेंस इन क्वालिटी, एक है इंटरनेशनल थोड़ा लेवल एक्शन को लेके, जहाँ बात करें, जहाँ वो पहुँचने की उन्होंने यू नो कोशिश की है, पहुँचे भी हैं बहुत बहुत हद तक, एंड वो क्वालिटी आपको दिखेगी, एक मज़ा है, एक अलग मज़ा है एक्शन। फिल्म की गाने की बात करें तो वन ऑफ बहुत सारे गाने, 3 गाने आपका फेवरेट गाना? मेरे तो झूमे जो पठान था एंड में, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ पूरे एक्सपीरियंस के एंड में आता है जब क्रेडिट्स रोल हो रहे होते हैं, एंड आई थिंक उसमें एक मस्त एक वाइब के अंदर धुन टू इट, जो आप आराम से बैठ के लाइक यू नाउ आर एंजॉइंग द एक्सपीरियंस जिससे आप अभी गए हो, एंड दैट्स द फाइनल क्रेडिट्स दैट दे रोल, तो उसका अलग मज़ा है मेरे लिए वो था। और ही मज़ेदार है जॉन एज अ विलेन, इस आपको धूम मन की याद दिला देता है उनकी, जो उन्होंने तब विलेन प्ले किया था। दीपिका एज अ स्क्रीन प्रेजेंस फैंटास्टिक ऑलवेज एज वी नो एज एन एक्टर, एंड शाहरुख इज शाहरुख, वो तो एक यही स्टेटमेंट है, तो टुगेदर जब वो आते हैं एक एक है एक प्रेजेंस में। सलमान खान देखिए, मैं कहूँगा वो जो सीन उनके एक साथ है, आइए प्लीज़ ज़रूर पिक्चर में आइए, जैसा भी आपका, अगर आपका एक मन कर भी रहा है नहीं, जो भी आपके अपने ख्याल हैं चलता है, बट आ सकते हैं, टाइम है और मन भी है थोड़ा सा, तो आ जाइए उस सीन के लिए, मज़ा आएगा।
पैसा वसूल उतने में हो जाएगा। शुरू से ही बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, आपका क्या कहना है? मैं कहूँगा सब सबकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है। जो बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, अगर उनके पास अपनी वजहें हैं, वो अपने डिसीजन पे खड़े रह सकते हैं। जिनको कुछ आर्ट देखना है, कुछ जो सिनेमा बनाया है इस देश में आर्टिस्ट ने मिलके, इतने लोगों ने मिलके, स्पेशली इसमें आप देखेंगे कि आप एक इंटरनेशनल फिल्म से भी कंपेयर कर सकते हैं, इतने आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, क्योंकि इतना लोकेशंस पे शूट हुआ है, ये स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशली एक्शन जो है, तो मेहनत इतने लोगों ने की है, तो बाकी जिनका मन है वो आके देख सकते हैं। तो आई थिंक बायकॉट करना या नहीं करना वो एक इंडिविजुअल चॉइस है सबकी, सबके पास अपने रीज़न हैं। अगर है किसी के पास तो ठीक है, टू ईच देयर ओन, बट मुझे मजा आया और मैं आया। जज करने लगते हो, मैं कहूँगा पैसा वसूल है, ऑडियंस फुल, ऑडियंस फुल है, आउट ऑफ फाइव। चार दिन से मैं देने को दे रहा हूँ, बट पैसा वसूल है, आगे देखना मजा अच्छी लगती है। इनके अंदर बहुत सारा एक्शन ड्रामा दिखाया गया है, पूरा पूरा एक्शन मूवी है, देशभक्ति के बेस पर है, और शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका, सबको बहुत ही अच्छा रोल भी मिला है। सबसे बड़ा बात कि सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। शाहरुख, सलमान और एक बार करण अर्जुन के बाद दिखाई दिया, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, केमिस्ट्री उनकी देखने को मिली, दीपिका, जॉन इब्राहिम साथ में है, और फिल्म के अंदर तीन गाने भी अच्छे अच्छे दिए, तो आपको इसमें सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा? गाना देखिए तीनों अच्छे हैं, वो पहला गाना है, फिर लास्ट में एक गाना है, वो भी बहुत अच्छा है, गाने सब अच्छे हैं। आउट ऑफ फाइव कितने स्टार? आउट ऑफ फाइव में 4 देना चाहूँगा, क्योंकि पिक्चर का स्टोरी जो है, मैंने इंग्लिश पिक्चर पहले देखते थे ना, उस टाइप की बनाई है, और स्पेन बोलिए, मॉस्को बोलिए, अफगानिस्तान बोलिए, पूरी दुनिया घुमाते हैं, और सीन सीनरी बहुत अच्छी है। फिल्म को बायकॉट भी किया जा रहा था, लोग कह रहे थे बायकॉट करो, तो आप किस फिल्म को देख के आपको लगता है कि फिल्म को बायकॉट करना चाहिए था? इसके बारे में तो हमने सोचा नहीं है, अभी कुछ बता भी नहीं सकते। आउट ऑफ फाइव कितने स्टार? आउट ऑफ फाइव 4 दूंगा, 4 स्टार। थैंक यू, थैंक यू। कैसी लगी फिल्म पठान? साल की शुरुआत बहुत धमाकेदार दी है, आपको कैसी लगी फिल्म की स्टोरी? सर, शाहरुख खान तो बहुत धमाकेदार लग रहे हैं, फिल्म अनफॉर्चुनेटली इतनी धमाकेदार नहीं है। फिल्म दिखने में सुंदर है, स्क्रीन पे देखने में सुंदर लग रही है, जो बोलते हैं बड़े पर्दे वाला एक्सपीरियंस वो है, पर अपने आप में स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, शाहरुख खान को 4 साल बाद देखना अपने आप में एक वो है कि कभी शायद सुबह 7:30 बजे भीड़ आई है, तो 4 साल बाद कमबैक करने के बाद एक नए अवतार में नजर है, 3 डिफरेंट रोल में। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि 3 डिफरेंट शेड में शाहरुख कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, शाहरुख खान ने ऑब्वियसली कुछ नया ट्राई किया, हमने एक्शन अवतार में उनको देखा है पहले, बट इतना नहीं, डॉन में देखा था करीबन, उसको भी 10 से 12 साल हो गए, और ये शाहरुख और उस शाहरुख में बहुत फ़र्क है। वो थोड़ा सुआव था, ये थोड़ा रफ अराउंड दिया जैसे, ये थोड़ा जेम्स बॉन्डिश टाइप का प्ले करने की कोशिश की है उन्होंने ऑब्वियसली, तो वो चीज़ है। बट शाहरुख खान खुद में बहुत बढ़िया एक्टर हैं, केपेबल एक्टर हैं, जैसे कि दीपिका हैं, और सारे कुछ ऑनसॉन जितना भी है वो अच्छा है, पर जब स्टोरी आपके पास अच्छी नहीं है बांधने के लिए, तो फिर वो मज़ेदारी नहीं आती है। स्टोरी बांधने के लिए एक बहुत स्पेशल, पर हाँ, एक कैमियो है। नहीं आप स्पॉइलर मत दीजिए, वही क्योंकि सबसे अच्छा पार्ट है फिल्म का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो 10 से 15 मिनट है वहाँ पे आपको सीटियाँ, तालियाँ, चीखें, चिल्लाहट, शायद अगर किसी का सिक्के होते वो ज़माना होता तो वो भी उड़ाने के लिए देखने को मिलता, पर वही सबसे सुंदर पार्ट है फिल्म का। और बहुत अच्छा ये किया शाहरुख खान ने, बीच में ह्यूमर के टचेस दिए हैं उन्होंने, अपने करियर की जो फिल्में हैं उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाया है, मजाक इन द सेंस की प्लेफुली, और बीच में जो कैमियो है उनके साथ भी एक प्लेफुल कॉन्वर्सेशन चलती है, तो वो देखने में बड़े मजा आता है। फिल्म में तीन गाने मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना कोई खास पसंद नहीं आया। हाँ, दीपिका लग सब में सुंदर रही है, वो है बातचीत, और इसके अलावा तो गाने तो कुछ नहीं, बट BGM बहुत सुंदर था, BGM काफ़ी अच्छा लगा। दीपिका, जॉन और शाहरुख, केमिस्ट्री कैसी? जॉन को तो ज़्यादा समय बिताने को दिया ही नहीं गया किसी के साथ, ना ही शाहरुख के साथ, ना ही दीपिका के साथ। जॉन आ रहे थे जा रहे थे सीन में, मतलब कभी कुछ भी हो रहा था, बट हाँ, दीपिका और शाहरुख की केमिस्ट्री देखने में अच्छी लगती है, इट लुक्स फार मोर रिफाइंड एंड इवॉल्व। और फिल्म को लगने के शुरुआत से पहले बायकॉट की बात की जा रही थी, आपको क्या लगता है कि फिल्म बायकॉट? मुझे तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे दीपिका को देख के बड़ा मजा आया, किसी भी रंग में, वो कोई भी रंग थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बल्कि बेशरम हो गया था उस टाइम पे। तो आउट ऑफ फाइव कितने स्टार? 1 से 2
ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म अगर आप जाना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए जाइए, अनुभव के लिए जाइए, तो इतने समय बाद 7:30 बजे अगर भीड़ आ रही है तो दैट स्पीक्स फॉर इट द स्टारडम एंड चार चांद लग जाएंगे स्टारडम को अगर आप 10 मिनट और आखिरी के देखेंगे वो तो पटाखा है। थैंक यू। कैसे सर आप बहुत समय बाद हमें दिखे पठान देखने के लिए, फर्स्ट शो देखने के लिए आए, और आपको पठान कैसी लगी? साल की नई शुरुआत साल की सबसे पहली बड़ी रिलीज फिल्म है पठान, और मुझे लगता है कि 4 साल के बाद चारों धाम में हम सब फैंस हुए, जो दुआएं की थी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने मिल के दुआएं की थी कि नफरत बढ़े नफरत मिटे और फिल्म और एंटरटेनमेंट और भाईचारा बढ़े, ये पठान का मकसद भी है और मैसेज भी है। बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बदल चुका है। तीन डिफरेंट शेयर में शाहरुख दिखाई दिए, तो आपको कौन सा रोल सबसे ज़्यादा? शाहरुख खान तो इस फिल्म में मतलब समझ लीजिए कि लूट महफिल लूट ली, जैसे लूट दिल्ली महफिल गाना है, बट उन्होंने पठान में महफिल लूट ली और ब्यूटीफुल दीपिका दीपिक और जान भी है, जॉन भी है और भाईजान भी है, और जॉन इब्राहिम ने बहुत अच्छा काम किया, भाईजान ने तो मिल के दोनों ने वादा कर लिया कि आने वाले समय तक अब वही छाए रहेंगे सबकी सेवा करेंगे, उनके सब घमंड कह सकते कि एक कोशिश दिखाई दे रही है। फिल्म के एक्शन की बात करें तो जो टॉम क्रूज के जो डायरेक्टर होते हैं, उनके जो एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने एक्शन डायरेक्ट किया है पूरा पठान, तो आपको जॉन दीपिका फिल्म आपको पूरी अलग दुनिया बनी जाती है, आपको लगता है नहीं कि आप इंडिया में कहीं पर है, एक अलग रॉ की दुनिया जहाँ पर होता है ना, कि एक ऐसी दुनिया जहाँ आम आदमी सोचता हूँ तो क्या होता होगा वहाँ पर, कैसे रहते होंगे, तो सारा कुल मिलाकर माहौल जो है वो पठान में रखा गया, और मार धाड़ एक्शन म्यूजिक कोई चीज़ की कमी, बच्चों से बुजुर्ग तक सब लोग तुम्हें जो पठान मेरी जान मैं तुम ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान फिर तो वो मिट जाए। अब पठान को कितने स्टार? वही मेरा खान पठान मेरी जान, मेरे को लगता है यारी है ईमान, मेरा यार मेरा जिंदगी, पठान नहीं देखेगा तो कितना बड़ा गंदगी। मुझे ऐसा लगता है जो लोग पठान नहीं देखना चाह रहे ऐसे बायकॉट गैंग वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बायकॉट बोलोगे थक चुके होंगे, प्लीज़ आइए अपने परिवार के साथ में आइए और फिल्म जरूर देखिए, आपकी सारी गलतफहमी मिट जाएगी। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ देशभक्ति है, और शाहरुख का मैसेज है कि देश ने हमारे लिए क्या किया ये मत पूछिए, ये पूछिए हमने देश के लिए क्या किया। जैसा नाम वैसा काम, मतलब पठान बोलेगा तो स्ट्रॉन्ग रहता है, पिक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर एक फिल्म में स्ट्रॉन्ग है, मतलब डायरेक्शन में, डायलॉग में, एक्शन में, वो बहुत पिक्चर की याद आ गई। फिल्म में सलमान का भी हाँ, उसके स्पेशल रोल है सलमान खान का, और करण अर्जुन की जोड़ी फिर से आ गई, अच्छा लगा। फिल्म में गाने आपको कौन से? गाने दोनों अच्छे लगे, एक तो पठान मेरी जान है लास्ट में, और दूसरा जो गाना है बेस है अंदर वो भी अच्छा है। आउट ऑफ 5 बेस्ट है 5। थैंक यू। साल की नई शुरुआत में पठान शाहरुख खान की बॉस पर बहुत ज़्यादा नाम चर्चित करें, आपने बहुत बढ़िया। आई थिंक शाहरुख खान की मूवीज़ का हम लोग 3-4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, और ये उनकी मैग्नस ऑपस परफॉर्मेंस है, मतलब ये साल की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई, मूवी में बहुत ही फिनोमिनल माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स हैं, एंड शाहरुख खान इज़ मार्वेलस एज ऑलवेज, बहुत ही बड़ा उन्होंने, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, और पठान का जो उन्होंने रोल निभाया, उनकी लुक बहुत बढ़िया है, उनकी एक्टिंग, उनका एक्शन, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और एक्शन फिल्म लवर्स के लिए बहुत बड़ा धमाका है। दीपिका शाहरुख जॉन की केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत बढ़िया। आई थिंक जॉन और शाहरुख जिस भी फ्रेम में आपकी नज़र नहीं हटेगी, मूवी शुरू से लेके एंड तक इन्जॉयबल एंटरटेनिंग है, लोग सीटियाँ तालियाँ मार रहे थे, जॉन की फिजिक बहुत बढ़िया है, दीपिका के स्टंट्स बहुत बढ़िया है, दीपिका लुक सेक्सी वोलप्शियस एंड वेरी सेंशुअस, बेशम रंग गाना बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, वैभव विमोचन की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है सचित पोलोस की, और एडिटिंग क्रिस्प है, 2.25 घंटे की मूवी कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, तो जो इसके एडिटर आरिफ शेख उनको मैं बोलना चाहूँगा, सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन कमेंडेबल है, और ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ ब्लॉकबस्टर, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ये मूवी के साथ। और फिल्म में एक फिल्म में सलमान खान, अरे 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 सेकेंड हाफ में सलमान खान आए तो मतलब अनदर लेवल में चले गए, शाहरुख और सलमान को एक फ्रेम में देखा तो मतलब लोग बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया लोगों को।
3.5 3.5 थैंक यू।